मैं सच बताऊँ तो मेरे को खुद भी नहीं आता है, मैं तो किसी प्लेयर का नाम भी नहीं जानता था सर। अच्छा, पिच कैसा है, कहाँ, ये उस दिन मैच कहाँ हो रहा था ये भी मैं नहीं जानता था सर। अच्छा हाँ, कुछ भी मैच के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जीत गया, भाग्य से ही काफी जीता, जीता। माता एक तो देहाती पिता कहावत है, टक्कर पचे 150 लग गया ना। अलग स्टेट लेवल हो या फिर गेम लेवल हो या फिर अनफैंटेसी एप्लीकेशन हो, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर ये 7 तारीख 8 तारीख को मैच में जीता था और 7 तारीख को ही मैं डाउनलोड किया था। इसके पहले कभी खेलता नहीं था सर, अच्छा, पहली बार डाउनलोड किया और ये अपने आसपास के सभी लोगों को देखता था खेलते हुए, तो मैं सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेता ट्राई हूँ। कर मैं लो, भी यूपीआई ट्राई आईडी करता में। हूँ, ट्रांजेक्शन किया 100 रुपये का सर, तो ठीक, 100 रुपये का 70 रुपये मेरे आ गया वो। फिर 20 हज़ार का मैंने किया, 20 हज़ार का 14 हज़ार रुपये बनता है, वो 2 दिन बाद वो भी पैसा आ गया सर। फिर मैंने 90 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन किया, 90 हज़ार का 63 हज़ार रुपये बनता है 30% काट करके, तो वो पैसा 2 दिन बाद उसका मैसेज आया कि कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बाई द बैंक, बैंक द्वारा प्रोसेस कोई नहीं भी किया स्टेट गया हो था जहाँ सर। पे ड्रीम इलेवन बैंड नहीं है, उन सभी स्टेट में जाकर के विनर्स का इंटरव्यू करते रहते हैं कि कौन कितना जीता, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, पिछला फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर किन समस्याओं को जूझ करके आगे बढ़ रहे हैं, या फिर विनिंग किए तो विड्रॉल हो पाई या नहीं, अगर नहीं हुई तो किस लिए नहीं हुई है, सारा चीज़ों का सोल्यूशन देते हैं, साथ ही साथ उस विनर्स को आप तक लेकर के आते हैं। और आज हम इसी सिलसिले में देवरिया में है और देवरिया का ये रुपई गाँव है। अभी हमारे साथ एक शख्स है, नाम है, नाम क्या है सर आपका? सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा नाम शिवेंद्र पांडे है सर। शिवेंद्र पांडे नाम है, आप अपना जो एड्रेस है वो बता दीजिए। ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट के भटनी ब्लॉक के अंतर्गत तो रुपाई रुपई ग्राम है, जी, रुपई का रहने वाला हूँ मैं। रुपई का रहने वाला है। जी तो क्या करते हैं आप? मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, छोटा सा मेडिकल स्टोर है और अच्छा, वहीं चलाता हूँ सर, कुछ गुमती दिनों में। से आपके बारे में वायरल चल रहा है कि देवरिया के एक शख्स है आपके क्षेत्र में, जब मैं आया तो लगभग लोग जान रहे हैं। मैं जैसे ही आपके नज़दीकी चौक पे पहुंचा, मैंने आपका नाम बोला, लोग बोलते हैं वो जो ढेर सारा पैसा जीते हैं, अच्छा, मतलब पूरा प्रसार प्रसार हो रखा है हाँ आपका। हाँ हाँ, जी जी हुआ है। अच्छा और ये 8 तारीख को जो मैच हुआ था राजस्थान और दिल्ली के बीच में सर, जी, वही 3:30 बजे से मैच था, उसी मैच में लगाया था और मैं सेकेंड विनर हूँ सर। सेकंड विनर है। जी कौन से ऐप पे, कौन से फैंटेसी ऐप पे आपने टीम लगाया था? My11 सर्किल ऐप्स पे लगाया माई था इलेवन सर। हाँ, सर्किल पे। सौरव गांगुली जिसके ऐड करते हैं। अच्छा, सौरव गांगुली जिसका ऐड जी करते हैं। तो कितना जीता आपने उस पे? जी 1 करोड़ रुपए जीता मैं, 1 करोड़ रुपए सेकेंड जीता। विनर रहा। फर्स्ट विनर 1 करोड़ रुपए और एक ऑडी कार थी, और अच्छा, सेकेंड रैंक पे 1 करोड़ रुपए था सर। 1 करोड़ रुपए, जी तो सारे पैसे आपके वॉलेट में आ गए। हाँ, वॉलेट में तो तुरंत आ गया अच्छा, था तो पैसे आपने विड्रॉल किया? जी। पैसे विड्रॉल किया था जिस दिन जीता, उसी दिन मैंने 30 लाख का विड्रॉल किया सर। तो वो 30 लाख रुपए 12 तारीख तक एक्सपेक्टेड था आने को, अच्छा, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है सर क्या पैसा। दिक्कत आ रही है जब आप विड्रॉल कर रहे हैं? किस प्रकार से आपने, एक बार में विड्रॉल किया या फिर थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं हुई नहीं थोड़ा एक सा? बार में नहीं किया, मैं पहली बार 5 लाख का विड्रॉल किया, फिर आधे घंटे बाद फिर 25 लाख रुपए का विड्रॉल किया, तो वो पैसा कुल 12 तारीख तक आना था, लेकिन 12 को नहीं आया, तो मैंने 13 को मेल किया। मेल का जवाब आया कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग योर अकाउंट, मतलब कि वो लोग अकाउंट का छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर भी पैसा नहीं आया, तो मैंने UPI ID में ट्रांजेक्शन किया 100 रुपये का सर, तो ठीक, 100 रुपये का 70 रुपये मेरे आ गया वो। फिर 20 हज़ार का मैंने किया, 20 हज़ार का 14 हज़ार रुपये बनता है, वो 2 दिन बाद वो भी पैसा आ गया सर। फिर मैंने 90 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन किया, 90 हज़ार का 63 हज़ार रुपये बनता है 30% काट करके, तो वो पैसा 2 दिन बाद उसका मैसेज आया कि कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बाई द बैंक, बैंक द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया था सर। तो मैंने बैंक गया, मैनेजर साहब से मिला, मैनेजर को पूरी जानकारी दिया सर, तो हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा सर। हो जाएगा। जी कितना टाइम हुआ आपका जीता हुआ विनिंग का? सर 8 तारीख को मैं जीता था, आज 21 तारीख है, बारह अच्छा, तेरह दिन हो गया सर। तो ज़्यादातर तो लोग ड्रीम इलेवन पे खेलते हैं, आप माई इलेवन सर्किल पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप माई इलेवन सर्किल पे कैसे हैं? सर My11 सर्किल पे मैंने थोड़ा सोचा कि Dream11 पे बहुत पुरानी ऐप्स है सर, इस पे अच्छा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा तो अच्छा मैंने My11 सर्किल पे जानबूझ के किया कि इस पे कंपटीशन कम है और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और भाग्य साथ दे तो हो सकता है अच्छा अच्छा रैंक। तो कंपटीशन कम है माई इलेवन सर्किल जी पे, कंपटीशन कम है मतलब सर। आपकी सोच आप पे खड़ा उतरी और आप हाँ जीत गए। जी जी लेकिन विड्रॉलिंग का अगर देखा जाए तो ड्रीम इलेवन तो तुरंत 24 घंटे के अंदर विड्रॉल कर रही है माई इलेवन सर्किल पे। ज़्यादातर मैंने कई सारे ऐसे इंटरव्यू किए हैं माई इलेवन सर्किल के विनर्स का, जिसमें से एक दो का तो प्रॉपरली पैसा आ गया है, लेकिन बाकी जिन जगहों पे मैं गया, चूंकि जब तक मैं गया मैंने इंटरव्यू किया तब तक पैसे नहीं आए थे। जी जो जी प्रोसेस आपके साथ हो रहा है
8 दिन 10 दिन सेम कंडीशन है। हालांकि सभी लोगों के पैसे धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी, वैसे विश्वास तो है, पूरा विश्वास है कि ये पैसे आएगा, जरूर पैसा तो जरूर आएगा, क्योंकि पैसा तो आएगा ही। जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उनके पैसे टैक्स काटने के बाद आ ही जाते हैं, थोड़ा भले 2-4 दिन लेट हो। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग हो रहा है, पैसा आएगा जरूर। मैंने वो गोरखपुर में जो विवेकानंद सर जीते हैं, होमगार्ड हैं, उनसे भी मैंने बात किया था, तो वो बोले कि 45 दिन का पूरा प्रोसेस लगता है, 45 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा आ जाएगा। उनका भी अभी पूरा पैसा नहीं आया है और गाड़ी भी अभी नहीं आई है, लेकिन आ जाएगा पूरा पैसा। जी, विश्वास है, पूरा विश्वास है। और जिस एप्स की एड सौरभ गांगुली दादाजी कर रहे होंगे तो विश्वास तो होगा ही होगा। आप क्या करते हैं? जी, मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, छोटा सा गुमटी में है सर। जी। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा और हम दो भाई हैं, अभी दो बहन है, दोनों बहन लोग का शादी हो चुका है। हो चुकी है। जी, मतलब अगर देखा जाए तो इन पैसों से आप अपनी आर्थिक स्थिति जो है उसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये तो पूरा मतलब उस दिन तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ, और लेकिन अब इतना पैसा जीता हूँ तो जरूर माँ बाप की पूरा सपना पूरा कोशिश करूंगा सर। आपको सपना पूरा? जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पैसे आने के बाद लोग ज्यादातर जो है ना वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा? हाँ, ऐसा तो है, होता हाँ। ही है कि पैसा जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, कि कई रिश्ता बनाता है तो कई रिश्ता इससे टूट भी जाता है, तो किया जाएगा मैंने। लेकिन हर एक चीज परवरिश पे डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपका क्या परवरिश दिया। नहीं नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि रिलेशन में दरार आ जाए, और पैसा है होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर एक पिता की सोच होती है कि आगे चल के मेरा बच्चा मेरा लाठी बनेगा। नहीं, देखिए हम दो भाई हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे, बेईमानी कभी नहीं। हम दो भाई हैं और दोनों भाई के लिए जो कुछ भी किया जाएगा दोनों भाई के लिए होगा। पढ़ाई कितना किया आप? सर, पढ़ाई मैंने डिफार्मा का कोर्स किया है। अच्छा। और एमए की पढ़ाई, एमए तक पढ़ चुका। डिफार्मा किया है आपने? जी। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है आपने। जी, नोएडा। जॉब वगैरह के लिए कहीं कोई तैयारी? सर, जॉब के लिए मैं शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता था सर। अच्छा। रियलिटी यही है, मैं चाहता था कि मैं जो कुछ भी करूँगा अपने दम पे करूँगा और अपना खुद का करूँगा सर। तो बस ये पैसे की कमी थी, ईश्वर ने वो भी दे दिया, अब हो जाएगा सर, जो चाहता हूँ सब हो जाएगा सर। सब सारा चीज़ हो जाएगा। शादी वादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। क्या सोचा है इसके लिए? अब तो पैसे भी आ गए। हाँ, पैसे आ गए, होगा, अब थोड़ा सा बिजनेस और अच्छा कर लिया जाए सर। अभी तो गुमटी में चला रहा हूँ, अब पैसे आ गए तो अब अच्छा सा बिजनेस किया जाएगा, और जमीन वमीन ले करके अब शादी तो होगी ही होगी, बातचीत चल ही रहा है। कभी सोचा था आपने कि मेरे लाइफ में एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब आँख बंद होगी तो कुछ भी नहीं, आँख खुलने के बाद मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ऐसा सोच था क्या कभी? नहीं नहीं, कभी ऐसे सपने में नहीं सोचा था मैं। हाँ, कभी ऐसे अपने घर में बात करते करते जब चिंता में होता था तो बोलता था कहीं से मिल जाता कुछ पैसे, 20-25 लाख रुपए मिल जाता तो लाइफ सेट हो जाता। हाँ। और सही ईश्वर ने शायद सुन लिया। अच्छा। और अचानक मुझे इतना रुपये मिल गया। आस्था में विश्वास? जी बिल्कुल, पूजा करता हूँ सर और हनुमान जी के भक्त हूँ सर। जी भाई, भक्तों की तो भगवान सुनते ही सुनते हैं, सिर्फ सच्चे मन से श्रद्धा करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ईश्वर में आस्था रखिए, नास्तिक नहीं बनिए, आस्तिक रहिए सर। और क्योंकि जो भी देते हैं ईश्वर ही देते हैं सर। माई सर्किल, सर्किल 11 हो या फिर ड्रीम 11 हो या फिर अन फैंटेसी एप्लीकेशन हो, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर, ये 7 तारीख 8 तारीख को मैच में जीता था और 7 तारीख को ये मैं डाउनलोड किया था, इसके पहले कभी खेलता नहीं था सर। अच्छा। पहली बार डाउनलोड किया और ये अपने आसपास के सभी लोगों को देखता था खेलते हुए, तो मैं सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैं एक मेरे भैया हैं वो ड्रीम 11 का लिंक भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने ड्रीम 11 डाउनलोड किया, लेकिन फिर मैं सोचा कि ड्रीम 11 पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो मैं माई 11 सर्किल ऐप खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और 7 तारीख को मैच लगाया था, 7 तारीख को 2 मैच लगाया था, दोनों में मेरा पैसा मतलब 49 रुपये का वापस आ गया सर। तो 8 तारीख को फिर मैं मैच लगाया, 3 मैच लगाया था उस दिन, 2 49 रुपये का लगाया था और 1 33 रुपये का लगाया था, तो 1 49 वाला मैं जीत गया और 1 49 वाला और 1 33 वाला मैच हार गया था सर। अच्छा, 1 में आ गया। हाँ जी, और लक अच्छी थी। और देखिए लोग तो लगाने को 10-10 साल से लगाते हैं, कितने सालों से लगा रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे ही दिन जीत गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बाजी मार लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने तो यूपीएससी निकाल दिया। क्या आपने यूपीएससी निकाल दिया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लोग 20-20 साल 20-20 लाख रुपए लगा करके बाल पका लिए हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या 10-10 अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं निकल पा रहे। अच्छा, क्या करते हैं, ये पढ़ाई से ज्यादा हार्ड है या फिर पढ़ाई से कम है? नहीं नहीं, ये हार्ड कुछ नहीं है, ये सब
विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास रखिए और सब होगा। ये भाग्य की वजह से होता है, कुछ स्किल्स भी होती हैं इसमें, कुछ दिमाग लगना पड़ता है, कौन प्लेयर अच्छा चल रहा है, पिच कैसा है, पेसर के लिए है कि बॉलर स्पिनर के लिए पिच है, तो कुछ स्किल्स भी हैं। और लक ज़्यादा मायने रखता है या फिर स्किल ज़्यादा मायने रखता है? दोनों 50-50 मेरे ख्याल से सर, दोनों 50-50 जी, तब जा करके आप जीत सकते हैं जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग अपने लक और अपने स्किल को आजमा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, देख रहे हैं कि ड्रीम इलेवन पे करोड़ों करोड़ लोग खेल रहे हैं, एक आध लोग जीत रहे हैं। सर देखिए, स्किल्स सबसे ज़रूरी है सर, पिच के बारे में, प्लेयर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सही कहा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जिसके पास जानकारी है वो बंदा नहीं जीतता, और जो सबसे जो उसको कुछ भी नहीं मालूम रहता है वो इसमें जीत जाता मतलब है। मतलब आप मेरा वीडियो देखते हैं इससे तो पता चल रहा है कि हम, क्योंकि ज़्यादातर जो विनर आ रहे हैं हमारे चैनल पे उनको कुछ भी नहीं आता है, टीम लगाते हैं और जीत जाते हैं। मैं सच बताऊँ तो मेरे को खुद भी नहीं आता है, मैं तो किसी प्लेयर का नाम भी नहीं जानता था सर। अच्छा, पिच कैसा है, कहाँ ये उस दिन मैच कहाँ हो रहा था ये भी मैं नहीं जानता था सर। अच्छा। हाँ, कुछ भी मैच के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जीत गया, भाग्य से ही जीता, माता पिताजी के आशीर्वाद से जीता। एक तो देहाती कहावत है, टक्कर पचे 150 लग गया ना। बाजी।